नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम निर्मल हूं, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। मैं एक मिशन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं जब हिंदुस्तान में पैदल यात्रा करता हूं तो देखता हूं कि गांव-गांव में प्रतिभावान नौजवान बच्चे जो है सफलता के शिखर को सर करना चाहते हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को सही वक्त पे सही राह नहीं मिलती है। इसके लिए हमने ये प्रेम निर्मल गुरुकुल फ्री यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें हम बहुत सारे बिजनेस कोचिंग के वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और सफलता के बहुत सारे सूत्र इस वीडियोस में रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाजू में एक बेल का सिंबल आएगा उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप बहुत सारे सफलता के सूत्र इस चैनल के जरिए सीख सको अपने घर में बैठे बैठे। तो आज का अपना सफलता का सूत्र नंबर दो जो है वो है बिलीफ सिस्टम। हमारी बिलीफ सिस्टम कैसी है, हमारी मान्यताएं कैसी है, इसके ऊपर हमारी सफलता निर्भर होती है। अगर हमारी मान्यताएं विधायक है, पॉजिटिव है, हमारी बिलीफ सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। देखो, बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत सारी उसकी मान्यताएं हैं, उसके माता पिता से आती है, उसके आसपास से लोगों से आती है और समाज उसको कौन सी मान्यताएं दे रहा है और बहुत सारी चीजें होती है, इसको कंडीशनिंग कहते हैं, मान्यताएं कहते हैं, और ये मान्यताएं हमारे दिमाग में भरी रहती है। अगर ये मान्यताएं हमको एम्पावर करती है, मोटिवेट करती है, अगर हमको आगे बढ़ाने में, हौसला बढ़ाने में मदद करती है तो इसको पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारी कुछ मान्यताएं हैं जो है जो हमारे दिमाग में घर कर जाती है और उसके वजह से हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से हम पिछड़ जाते हैं। तो हमें ये गौर करना है कि हमारी मान्यताएं जो है वो विधायक है कि नहीं है। अगर नहीं है, नेगेटिव अगर है, तो उसको हमको पॉजिटिव में बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी मनस्थिति को बदलना है और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम लेके, एक विधायक मान्यताओं को लेके हमको जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत सारा रिसर्च हुआ है मान्यताओं के बारे में। हमारी जैसी मान्यताएं होती है वैसे हमारा जीवन बन जाता है, इसीलिए हमारी मान्यताएं जो है कैसी है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी आप रात को सोते वक्त शांति से सोचिए कि आपके जीवन में कौन सी मान्यताएं हैं, कहां कहां से आई है और कैसे कैसे अपने जीवन में घर कर गई है, कौन सी मान्यताएं आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है और कौन सी मान्यताएं आपको पीछे जंजीरों में जकड़ के रखती है। अगर कुछ ऐसी नेगेटिव मान्यताएं हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, अगर ऐसी कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो है, अगर ऐसी कुछ चीजें जो है आपको लगता है कि आपके हाथ की जंजीरें बन गई, आपके पैर की बेड़ियां बन गई है, तो उनको तोड़ने के लिए आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, विधायक तरीके से इस मनस्थिति को बनाइए, अपने हौसले को बुलंद कीजिए और हो सके उतना मान्यताओं को, नेगेटिव मान्यताओं को बदलते जाइए, पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। रोज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, रात को सोते वक्त 5 मिनट 10 मिनट तक आप सोचिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है और सफलता पाने के लिए जो भी पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है उसको लेकर उसको और आगे बढ़ाए और जो नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते जाइए। और मैं आपको बहुत छोटा सा एक सूत्र देता हूं सफलता का। आप रात को जब सोते हैं तो नींद में प्रवेश करने से पहले की जो 5 मिनट होती है वो बहुत बड़ी गजब की होती है। उसके जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जब सोते हो, नींद में उतरते हो, तो आखिर की जो 5 मिनट है उस वक्त आप बहुत सारा पॉजिटिव विचार अपने मन में लाइए, आपको जीवन में क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए और जो अच्छी चीजें हैं जीवन में, जो पाना चाहते हैं, जो सफलता को पाना चाहते हैं, उसी चीजों को आप उस वक्त सोचिए। और अगर आपको नींद लग जाती है तो वो सारी चीजें जो आपने सोचा, जो आपने विजुलाइज किया और जिसमें आपने अपनी एनर्जी डाली सोते वक्त, वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है, आपके सामने आ जाती है। वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ में ताकि उनका भी हौसला बढ़े। अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का एक टीम बनाइए और टीम के साथ में इस वीडियो को आप देख सकते हो। अपने बिजनेस टीम को भी इस वीडियो को दिखाइए, अपने लोगों को बताइए इन वीडियो को और उनका भी हौसला बढ़ाइए। हिंदुस्तान को हम एक सशक्त राष्ट्र बनाना, मेरे प्यारे दोस्तों आप भी मेरे मिशन में शामिल हो जाइए और आइए हम सब मिलकर हिंदुस्तान को एक सशक्त राष्ट्र बनाते हैं। धन्यवाद।